हाय एवरीवन, नॉमिनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लास्ट लेक्चर में जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीखे थे कि किसी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ हो, बेसिकली आईयूपीएसी नाम, तो कैसे उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा वो हम लोग देखे थे। अब अभी के इस लेक्चर में कुछ कॉमन नेम से हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, और इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं पता चलेगा इसमें क्या है कि नहीं है। फिर मान लो दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एसिटाइलिन, फिर है मान लो इधर इथाइल नियोपेंटाइल कीटोन, फिर लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, फिर इधर दिया हुआ है आइसोपेंटाइल मिथाइल ईथर, फिर हो एलाइल विनाइल ईथर, ऐसे इस तरह से कॉमन नेम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, ऐसे कॉमन नेम लिखा हुआ है। तो इस केस में थोड़ा सा परेशानी है। क्या परेशानी है? जैसे वहाँ हम बोले थे कि वर्ड रूट वगैरह देखो, सबसे पहले वहाँ क्या देखने बोले थे हम, वर्ड रूट, कि वर्ड रूट क्या है उसको देखो, उसके अनुसार स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ वर्ड रूट कुछ पता नहीं चलेगा, अभी इथ मिथ सब है। तो इसमें आप सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसे देखोगे, वह रिप्रेजेंट करेगा फंक्शनल ग्रुप को। सबसे लास्ट में जो है वह कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, कोई ग्रुप को। तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन एकदम दिमाग से उड़ गया है तो फिर कोई चांस नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। तो एसिटाइलिन हम लोग कहते थे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, इतना को एसिटाइलिन कहते थे। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली है, ऐसा। अब दोनों में से एक तरफ इथाइल है और दूसरे तरफ क्या है, मिथाइल, तो कहीं इथाइल और कहीं मिथाइल जोड़ दो, तो मिथाइल मतलब कि जोड़ दो CH3, और इथाइल है तो CH2 CH3। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इथाइल पहले लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में इथाइल फिर मिथाइल, जहाँ इच्छा जोड़ो। वैसे इसको देखो एसिटाइलिन, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन, फिर से दोनों तरफ बॉन्ड खाली। अब एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल एक तरफ आइसोब्यूटाइल, अब टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ब्यूट है चार कार्बन, लेकिन ध्यान रहे कि टर्शियरी मैंने एक कार्बन को 3 डिग्री बनाना है, तो 3 डिग्री बनाने के लिए इसके अगल बगल 3 कार्बन रखना होगा, ऐसा। अब बाकी मैं हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ देना होगा, 3 यहाँ देना होगा, 3 यहाँ, हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। इधर है आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल था कि सेकेंड पर एक मिथाइल रहेगा, ऐसा। अब यहाँ भी हाइड्रोजन देके पूरा करो, 2 होगा, यहाँ 1 यहाँ 2, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एसिटाइलिन, थोड़ा सा इसमें तो ज़्यादा बुद्धि लगाना होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, कीटोन वगैरह दिया हुआ है। तो कीटोन दिया हुआ है, कीटोन हम लोग जान रहे हैं सी डबल बॉन्ड, दिस इज कीटोन, डाइवेलेंट ग्रुप है, दोनों तरफ बॉन्ड खाली होंगे।
अब दोनों तरफ में एक साइड इथाइल है, एक साइड नियोपेंटाइल है, तो इथाइल मीन्स सी एच टू सी एच थ्री, नियोपेंटाइल है तो पेंट हमने पांच कार्बन ओवरऑल होना चाहिए, नियो मतलब कि सेकेंड लास्ट पे दो मिथाइल भी होना चाहिए, तो पांच और दो मिथाइल, तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ, बाकी का पूरा करो सी एच टू सी एच थ्री, दिस इज नियोपेंटाइल, तो इथाइल नियोपेंटाइल कीटोन, इसको देख लो कीटोन यहाँ भी है तो सी डबल बॉन्ड वो लगाना ना भूलें। सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अगेन फिर ब्यूट है चार कार्बन, लेकिन सेकेंडरी मतलब एक टू डिग्री होना चाहिए, तो यदि यह कार्बन है इसको टू डिग्री बनाना है तो एक कार्बन इधर दे दो एक इधर दे दो, और नीचे भी दे सकते हो ऊपर वाला, एक ही बात, अब ब्यूटाइल है तो चार कार्बन भी होना चाहिए थे, एक दो तीन, तो एक और दे दो चार, चाहे इधर कहीं भी दे सकते हो, इधर नहीं दे दोगे क्या कि फिर थ्री डिग्री हो जाएगा। हाइड्रोजन देके पूरा कर दो सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, राइट साइड में क्या है आइसोप्रोपाइल है, अब आइसोप्रोपाइल है तो प्रोप मतलब तीन कार्बन, और बताए थे इसमें एक्सेप्शनल है कि आइसोप्रोपाइल तब होता है जब बीच वाला कार्बन से जुड़ा हो, तो एक कार्बन इधर, तो ये सी एच थ्री सी एच थ्री ये होगा सी एच, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटो। अब यहाँ देखा जाए ईथर है, ईथर मतलब कि ओ ऐसे इस तरह से, अब फिर एक तरफ लिखा हुआ है मिथाइल, एक तरफ है आइसोपेंटाइल, तो मिथाइल सी एच थ्री लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं इधर उधर, आइसोपेंटाइल है तो पेंटाइल मतलब पांच कार्बन, साथ ही आइसो बोल रहा है मतलब सेकेंड लास्ट पे मिथाइल भी होगा, तो यहाँ मिथाइल इधर नहीं देंगे, मिथाइल यहाँ नहीं देंगे सेकेंड लास्ट पे, अब पूरा कर दो इसको सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच थ्री, तो दिस इज आइसो पेंटाइल, दिस वन इज मिथाइल एंड ईथर, फिर यहाँ ईथर है ऐसे। एलाइल विनाइल याद करो, पीछे नॉमिनक्लेचर में एलाइल विनाइल के बारे में चर्चा किया गया था, क्या होते हैं ये एलाइल विनाइल, तो वहाँ डायरेक्ट था कि विनाइल मतलब डबल बॉन्ड का कार्बन, मतलब इस ग्रुप को डायरेक्ट हम लोग विनाइल कह सकते हैं सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और एलाइल का मतलब ऐसा था सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, डबल बॉन्ड के बगल वाला को एलाइल कहते थे, डबल बॉन्ड वाला को विनाइल, तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा विनाइल, ये पूरा ग्रुप हो जाएगा एलाइल, सो दिस इज एलाइल विनाइल ईथर। तो कॉमन नेम में इतना एग्जांपल दिए तो अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है आईपीएससी नेम वाला की तुलना में, कुछ एग्जांपल और देते हैं तो समझ में आएगा। इन्हीं एग्जांपल्स को जो बोर्ड पे हम बताते हैं ना, इन्हीं एग्जांपल्स को अब एक दो बार प्रैक्टिस करो बस, और उसके बाद अपने से कोई भी एग्जांपल लोगे डेफिनेटली बन जाएगा। तो जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर मान लो है आइसो वैलेरामाइड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कॉमन नेम से भी तो आ सकते हैं ना, फिर मान लो रहे ट्राइमिथाइल कार्बिनोल, ऐसा, फिर रहे इथाइल डाइमिथाइल कार्बिनोल, फिर ऐसा भी हो मान के चलो पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ऐसा हो, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक लास्ट में मान लो किस तरह से रहे, क्या रहे सेकेंडरी ब्यूटाइल
इथाइल मिथाइल एमीन, और इन सब का स्ट्रक्चर बनाना हो। शुरू से हम एक बात कहते आ रहे हैं कि किसी भी बुक में, कोई भी बुक केमिस्ट्री का आप ले लो, कोई एक बुक में इतने सारे एग्जांपल्स नॉमिनिक्लेचर के नहीं मिलेंगे। ये अलग अलग तरह का केस जो हम बता रहे हैं किसी बुक में नहीं मिलेगा, खुद से बनाया गया है सब। इसलिए बोल रहे हैं कि इसी को आप प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे एग्जांपल्स कोई बुक में नहीं मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी का, ध्यान रखोगे इस बात का। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अब यहाँ डायरेक्ट तुम्हें एसिटिक एसिड पता होना होगा कि क्या होता है, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ट्राइक्लोरो है तो ट्राइक्लोरो, अभी तीन क्लोरीन कहाँ लगाओगे, जाहिर सी बात है इस पर तो लगेगा नहीं, क्या कि चार बॉन्ड पूरा है, तो यहाँ ऐसे आइसोवैलेरामाइड, अमाइड है और ये वैलेरा मतलब पांच कार्बन के लिए होता था, वैलेरिक एसिड से वैलेरामाइड, आइसो भी लगा हुआ है मतलब एक मिथाइल होगा, तो मिथाइल वाला लेकर के पांच कार्बन होना चाहिए, तो ये अमाइड और आइसो मतलब सेकेंड लास्ट पे मिथाइल, बाकी पूरा कर दो CH3CH CH2, तो 1 2 3 4 5 वैलेरामाइड, अरे 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट पे मिथाइल, मिथाइल यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा तो आइसो नहीं होगा, सेकेंड लास्ट पे, लास्ट से सेकेंड, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, याद करो कार्बिनॉल किसे कहते थे, नहीं याद आ रहा है तो लास्ट वाला ऑल देखो, वो एच, तो कार्बिनॉल बोलते थे कार्बन में एक वो एच, दिस इज कार्बिनॉल, इतना केवल कार्बिनॉल। फिर इसके पहले लगा हुआ है ट्राई मिथाइल मतलब तीन मिथाइल है, तो तीन मिथाइल है तो इसके अगल बगल तीन मिथाइल जोड़ दो, CH3 CH3 CH3, हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अगेन यहाँ इथाइल डाई मिथाइल कार्बिनॉल है, कार्बिनॉल का मतलब फिर से हुआ C में वो एच, एक इथाइल है कहीं भी जोड़ दो एक इथाइल, CH2 CH3, फिर डाई मिथाइल है दो मिथाइल जोड़ दो, दो मिथाइल, हो गया कार्बिनॉल दो मिथाइल और एक इथाइल। अब इसे ज़रा देखो, एसिटल डिहाइड है, दो कार्बन का डिहाइड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल, कहाँ होगा या ग्रुप, ऑब्वियसली इस पे होगा क्योंकि इसका चार बॉन्ड पूरा है, तो फिनाइल मतलब कि बेंजीन बनाना होगा, तो डायरेक्ट बेंजीन जोड़ो। फिर लिखा हुआ है पारा पे हाइड्रोक्सी है, तो पारा मतलब 1,4 होता है ना, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 मानोगे तो 2 3 4, यहाँ वो एच, तो ये पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल हुआ। अब यहाँ हाइड्रोजन देख के बैलेंस ही पूरा करो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटल्डिहाइड, इस तरह से इसका। लास्ट में भी इसे देख लो, एमीन नाइट्रोजन, तीन ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल, तीनों इसी से होगा जाहिर सी बात है, तो एक तरफ जोड़ दो मिथाइल, एक तरफ जोड़ दो इथाइल, और एक तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन बनाना है, ऐसे इधर जोड़ दो CH2 CH3, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस किया जा सकता है अपने से, क्योंकि हर एक टाइप का एक एक केस हम बता दिए, बाकी खुद से देखोगे तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा अलग, इसी में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है ऐसा, मान लो अब आ जाए बनाने स्ट्रक्चर सोडियम इथॉक्साइड कैल्शियम कैल्शियम आइसो प्रोपॉक्साइड,
फिर हो एल्यूमिनियम, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, थोड़ा अलग अलग कैटेगरी का आप देख रहे हैं हम लोग। फिर हो मान लो कैल्शियम बेंचोएट। कैसे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बस समझोगे इस बात को, कैल्शियम बेंचोएट। फिर हो मान लो इसमें डाइइथाइल कार्बोनेट, फिर हो ट्राइमिथाइल फॉस्फेट। मतलब अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट जुड़ा हुआ है, सब में कोई ना कोई मेटल है या फिर इनऑर्गेनिक आयंस लगे हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट जुड़ा हुआ हो आपस में, तब इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाएगा इस बात को देखो। सोडियम इथॉक्साइड है ठीक, सबसे पहले वर्ड रूट पे फोकस किया जाए। इथ, सो हियर इथ मींस इथाइल, पूरा अल्काइल। इथाइल लिखो जल्दी से, CH3CH2। OX मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दो। IDE का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इस पर एक नेगेटिव दे दो, तो ये हो गया इथॉक्साइड। इथ मींस इथाइल, OX मींस ऑक्सीजन, IDE का मतलब होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब इधर है सोडियम, तो सोडियम यहाँ रहेगा। अब चूंकि वो माइनस के फॉर्म में है तो यानी प्लस के फॉर्म में होगा, एक प्लस एक माइनस माइनस, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। उसी तर्ज पे इसको बनाया जाए आइसोप्रोप, मतलब ये आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल डायरेक्ट बनाओगे कि तीन कार्बन बीच वाले कार्बन से ग्रुप रहेगा ऐसा, दिस इज आइसोप्रोपाइल। फिर ओ एक्स का मतलब बोले ऑक्सीजन, आई डी का मतलब बताए माइनस, तो हो गया आइसोप्रोपॉक्साइड। अब बगल में है कैल्शियम, अब कैल्शियम पे ही नहीं, जैसे सोडियम पे एक प्लस दिए थे यहाँ भी एक प्लस दे दिए, नहीं कैल्शियम पे तो दो प्लस होता है, तो जब इसको बैलेंसी को यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ दो और यहाँ एक, तो कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे मान लो कि आप पोटासियम ऑक्साइड लिखते हो तो इस पर तो दो माइनस, इस पर एक प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पोटासियम का चार्ज से ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का चार्ज से पोटासियम को। वैसे यहाँ ऑक्सीजन पर चार्ज एक है तो कैल्शियम एक रहेगा, लेकिन कैल्शियम पर चार्ज दो है तो पूरा ग्रुप दो रहेगा, तो पूरा दो रहेगा, तो ऐसे ब्रैकेट करके होल्ड टू, ये हो गया कैल्शियम आइसोप्रोपॉक्साइड। वैसे ही अगला है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, फिर से यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल डायरेक्ट बनाना होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब कि ऐसे 3 डिग्री कार्बन है, अब ये सब में मिथाइल होगा। फिर यहाँ ओ एक्स है मतलब ऑक्सीजन, आई डी है मतलब माइनस, अब एल्यूमिनियम तो बगल में एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज होता है तीन, तो जब बैलेंस करोगे तो यहाँ तीन है और यहाँ एक है, तो बैलेंस करने के लिए पूरे का होल थ्री करना होगा। सो दिस इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब इसको देखो, ये बेंज मतलब बेंजीन होगा, बेंजीन होगा, वो एट एस्टर के लिए लगता था ना, तो एस्टर मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ओ। कैल्शियम तो इसके बाद, कैल्शियम बताए थे कि इसके पहले जो लगा रहा था वो के बाद वाला होता है। अब कैल्शियम चूंकि मेटल है तो आयन के फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होगा, आयन के फॉर्म में होगा मतलब कैल्शियम पे दो प्लस तो ओ पे एक माइनस होता है। अब यहाँ एक माइनस दो प्लस, तो बैलेंस करने के लिए होल टू करोगे तो हो जाएगा इसका कैल्शियम बेंचोएट। अब आगे आ जाओ, डाइथाइल कार्बोनेट, साफ साफ जान रहे हैं हम लोग कार्बोनेट आयन होता है CO3 डबल माइनस। अब इसमें में भी बताया जा चुका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि ये तीन ऑक्सीजन है और दो माइनस है, मतलब दो पर एकक माइनस, तीन ऑक्सीजन और दो माइनस चार्ज है, इसका मतलब यही होता है कि तीन ऑक्सीजन और दो माइनस मतलब दो पर एकक माइनस। अब इसके बाद ये भी बताया गया होगा कि जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले मतलब चार्ज वाले, वे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है वे डबल बॉन्ड। तो दिखा दो कार्बन एक ऑक्सीजन को दिखा दो डबल बॉन्ड से और बाकी दो को दिखा दो सिंगल बॉन्ड और माइनस से, ऐसे
हो गया कार्बोनेट। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है दो इथाइल डाइथाइल। अब ये दोनों इथाइल को कहाँ जोड़ोगे, जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उससे, तो एक इथाइल यहाँ लिख दो। अब जब इथाइल जोड़ोगे चार्ज हट जाएगा, C2H5 एक यहाँ जोड़ दो C2H5, तो हो गया इसका डाइथाइल कार्बोनेट। सिमिलर क्वेश्चन एक नीचे है, फॉस्फेट है तो फॉस्फेट किसे कहते हैं, PO4 ₋-। अब फिर ये सब भी नहीं पता है, फॉस्फेट कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, तो फिर यहाँ भी दिक्कत है। अब यहाँ भी चार ऑक्सीजन और तीन माइनस है, चार ऑक्सीजन और तीन माइनस है, एक दो तीन चार, तीन माइनस मैंने तीन पर एकक माइनस होगा। अब बना दो यहाँ फास्फोरस, एक बिना चार्ज वाला है, तो बिना चार्ज वाला बोले थे डबल बॉन्ड, तो बनाएगा डबल बॉन्ड। तीनों पर जो माइनस है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब लगा हुआ है ट्राई मिथाइल, मैंने तीन मिथाइल जोड़ोगे कहाँ, तो जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उससे, बगल में खाली लिख दो बस CH3 CH3 CH3, हो गया ट्राई मिथाइल फॉस्फेट। तो ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिल करके, एक पार्ट इनऑर्गेनिक का रहेगा, जैसे इसमें जितने भी मेटल आयन्स देख रहे हो इनऑर्गेनिक है, लास्ट वाले में जो कार्बोनेट और फॉस्फेट आयन आया वो भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बाकी इथाइल मिथाइल ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो ये दोनों मिला हुआ ऐसे रहेगा। इस तरह का भी स्ट्रक्चर आ सकता है या एग्जाम में पूछता है, या फिर नहीं भी पूछेगा तो जब चैप्टर पढ़ोगे ना वहाँ ये सब चीज़ जरूरी आ जाता है, चैप्टर में बहुत आएगा ये सब, ट्राइमिथाइल फॉस्फेट डाइथाइल कार्बोनेट, तो कैल्शियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो वहाँ फिर सोचते रहोगे बोल कैसे लिखा गया है, तो नहीं सोचना है, पैटर्न है सबका जो हम बताए हैं इसके हिसाब से चलोगे और लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक आखिरी बात इसमें नॉमिनक्लेचर में, और वह आखिरी बात क्या होगा कि कुछ नाम लिखे हुए रहेंगे लेकिन वो गलत लिखा हुआ रहेगा, उस नाम को सुधार के लिखना पड़ेगा, तो भी कोई आसान काम नहीं होगा। नाम लिखा हुआ है गलत, तो सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कि गलत कैसे है, जब तक गलती कहाँ है कैसे है नहीं पता है तो उसमें सुधार करके आप सही क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो। गलत नाम लिखा रहेगा उसे सुधार करके लिखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, कि कुछ दिए हुए नाम हैं जो सही नहीं है, सो प्रोवाइड द करेक्ट IUPAC नेम फॉर ईच, जैसे एक नाम दिया हुआ है 3-methyl butane, ये गलत नाम दिया हुआ है, इसको सुधार के लिखना है। फिर मान लो दिया हुआ है 2-2-dimethyl 4-ethyl pentane, ये भी गलत दिया हुआ है, सुधार के लिखना है। फिर मान लो दिया हुआ है एक 4-secondary butyl 2-3-dimethyl heptane, ये भी गलत है, सुधार के लिखना है। और एक लास्ट 1-1-dimethyl 5-hexane, ये भी गलत है, सुधार के लिखना है। तो सबसे पहले गलत कैसे है वो पता करो तब, और कैसे पता चलेगा, तो जो कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर बना लो पहले, बस पता चल जाएगा डायरेक्ट।
ब्यूटेन है, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल, कहीं से नंबरिंग कर दो अभी, जैसे मान लो 1 2 3 4, अब 3 पे मिथाइल मतलब ऐसे जो नाम दिया हुआ है उसके अनुसार स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब मिथाइल यहाँ लगा हुआ है तो इधर से तो ये ब्रांच नज़दीक पड़ेगा ना, 1 2, तो ये 2 पे होगा कि इधर से आप 3 करोगे, नहीं इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो ये 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, फिर ब्रांच 2 पे आएगा, तो इसका करेक्ट नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन इसका सही नाम है, तो ये गलत ये सही नाम हो गया, ऐसे करके पता करना है। सेकेंड वाले को देखो, पेंटेन है, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5, 2-2-डाइमिथाइल, 2 पे 2-मिथाइल, फिर 4 पे इथाइल है, तो इथाइल मतलब 2 कार्बन ऐसे। अब यहाँ देखो इसमें क्या गलती लग रहा है, तो ठीक तो 2 पे 2-मिथाइल 4 पे इथाइल, लेकिन यदि ऐसा है तो 1 2 3 4 5 का है, 1 2 3 4 5 6, नीचे ज़्यादा कार्बन आएगा, तब तो इसमें ऐसा हो जाएगा ही। इसका मतलब कि इथाइल इसमें 4 पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इथाइल 4 पे रहेगा तो फिर वो मेन चेन में जाएगा और उस 6 कार्बन तक आ जाएगा। लेकिन सोचो जरा, यही चीज़ ऐसे रहे तो क्या दिक्कत है, 3 पर रहे तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 इधर भी जाते तो 4 5, तो एक ही बात रहता, 3 पे इथाइल रह जाता। तो इसका मतलब इसका सही नेम होना चाहिए ऐसा, 3-ethyl 2-2-dimethyl पेंटेन। एक गलत यहाँ इन सेंस में भी है कि एम को पहले कर दिया गया इसे, जबकि ई पहले आएगा, तो इसको भी सुधारना है, 3-ethyl 2-2-dimethyl पेंटेन ऐसे। वैसे एक इसको देखो, हेप्टेन मैंने 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2-3-dimethyl, पहले नंबरिंग कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2-3-dimethyl मतलब 1 मिथाइल यहाँ 1 यहाँ। 4 पे बता रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पे क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल को कैसे लिखा जा सकता है, CH3 CH2 CH3, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, बिल्कुल सही। तो देखो अभी जो लिखा है उसके अनुसार हम बना दिए इसको, ठीक, लेकिन इसका आप सही नाम लिखोगे तो जैसे 4 5 6 7 इधर गए ना जी, तो नीचे भी तो वैसा ही होता, 4 इधर से जाओ 5 6 7, तो ऐसे भी 7, ऊपर से भी 7, तो ऊपर से जब हम लोग 7 गए तो यह ब्रांच हम लोग को 3 मिला, 1 2 3, लेकिन यदि आप ऐसे 7 जाओगे तो ब्रांच 4 मिलेंगे, 1 2 3 4। तो रूल क्या है नॉमिनिक्लेचर का, कि एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो मेन उसे मानते हैं जिसमें ब्रांच ज़्यादा हो, तो इसमें ज़्यादा ब्रांच है मतलब कि ऐसे इसको मेन चेन माना जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिर क्या, 2 3 और 5 पे भी आ गया, तो 2 देखो इसमें इसका पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, पोजीशन इधर उधर चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा नाम, इसलिए नाम ही चेंज करना होगा पूरा, 2 3 5 ट्राइमिथाइल, उसके बाद ही 4 पे n-propyl, और तब हो जाएगा हेप्टेन, दिस इज द करेक्ट नेम, 2 3 5 ट्राइमिथाइल 4 n-propyl हेप्टेन। और एक लास्ट में अब देख लो, हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1-1-dimethyl, ठीक, 1-1-dimethyl मान लो यहाँ से 1 के हैं, 6, फिर बोल रहा है 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5-hexyl मतलब 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ तो जो नाम दिया हुआ उसके अनुसार ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें गलत क्या है, तो गलत क्या नहीं पता चल रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड यदि है तो नंबरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड के साइड से होता है ना, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, और 6 होगा तो फिर दोनों मिथाइल पर कैसे, ऊपर नीचे कहीं जाओगे 7 हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा, तो सही नाम इसका हो जाना है 6-मिथाइल
सात कार्बन का हेप्ट और वन आइन, या वन ऐसे करके भी लिख सकते हो, सिक्स मिथाइल वन हेप्टाइन, ऐसे करके लिखना है। वन वन डाई मिथाइल कभी हो ही नहीं सकता है, किसी भी कंपाउंड के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वन पे दो मिथाइल रहेगा तो फिर एक टर्मिनल हो जाएगा और मेन चेन में चला जाता है ऐसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत नाम लिखा हुआ रहेगा और सही नाम उसका लिखने बोलेगा, तो यहाँ भी थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा कि कैसे है तब। तो इस तरह से नॉमिनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हो सकते थे बेसिक से लेकर के एडवांस तक, उन सारे टॉपिक्स को कंसिडर किया गया। और हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द नॉमिनक्लेचर, बहुत अच्छे तरीके से नॉमिनक्लेचर जानो तब, क्योंकि आगे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ रिएक्शंस को बताया जाएगा, नॉमिनक्लेचर फिर से नहीं बताया जाएगा, नॉमिनक्लेचर ही बताया जाएगा, तो फिर क्यों इसको अलग से हम लोग पढ़ें, समझ रहे हो उस बात को। इसलिए इतना जितना जल्दी हो सके या जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो। बहुत ज़्यादा लेक्चर बन गया 42, लेकिन हाँ उतना ही डिटेल में बताया भी गया है, तो इसको भी ध्यान में रखोगे। सेम चीज़ को 10-12 लेक्चर में भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसीलिए ध्यान से जो है सारे टॉपिक्स को कवर अप करो नॉमिनक्लेचर में। तो नेक्स्ट क्लास से इस यूनिट का जो अब आगे के चैप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहला प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद फिर मैकेनिज्म है, आइसोमेरिज्म है, तो इन चैप्टर्स को अब धीरे धीरे डील करेंगे जो सारे इसी यूनिट में है। तो नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।